गर्ल इन द बेसमेंट, यह है मूवी का नाम। और ये जो स्टोरी है ट्रूली एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड ये जो स्टोरी है, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले डिटेल में, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी मुझे, एकदम हॉरर है। और आई थिंक अगर मैं मूवी देख रहा और इमेजिन कर रहा मैं खुद को उस सिचुएशन में, तो मैं सोच नहीं पा रहा था आगे क्या बोलना क्या नहीं, तो क्योंकि मूवी इतनी खतरनाक है देखने में। और मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सालों के बाद इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखने को मिली है, और आई थिंक ये बेस्ट मूवी है ये साल की, मुझे ऐसा लग रहा है। और ट्रू इवेंट पर बेस्ट है इसका मतलब तो एकदम सीरियस मूवी है, और हॉरर उसमें इवेंट डे वाले है, और अलग अलग तरह की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से बेस्ट स्टोरी, एकदम प्लॉट लाइन वगैरह और कैरेक्टर बहुत अच्छे दिए। और फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम यहाँ पे डॉन कैरेक्टर की, ये कैरेक्टर जो है एक बेस्ट है एक फादर फिगर के ऊपर, एक फादर रहता है और जो और फादर फिगर रहता है वो जो है क्या अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और बेटी जो है क्या उसकी ज़्यादा मानती नहीं है, सुनती नहीं है, उस वजह से वो ज़्यादा दोनों के जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं है। और अब जो डॉन है उसके बेटी को मना करता है कि क्रिस के संग जाना नहीं, मीन्स पार्टी में जाना नहीं, तो वो जो सारा जो है क्या ऑटोमेटिकली पार्टी में चल जाती। और पार्टी में जाने के बाद डॉन जो है क्या रात भर वेट करता कि कब आएंगे कब नहीं सारा, तो बाद में रात होने के बाद में उसके जो बॉयफ्रेंड के संगत में सारा जो है कि नाइट उसकी गुजारती। और फिर सवेरे दिन होने के बाद में जो है क्या डॉन घर के बाहर पोच में बैठे बाद में देखता कि सारा और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस उनको आते हुए दिखते, तो सारा को आवाज़ दे के बुलाता और साइड में उनके साथ में थोड़ी बहस हो जाती उनकी। ये स्टोरी में फ़िलहाल में यहाँ है, और बहस होने के बाद में फिर जो है क्या सारा बोलती कि भाई मैं कुछ ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली, मैं 18 साल के ऊपर हो गई तो मैं ये घर छोड़ के जाने वाले हूँ, सिंपल ऐसा उसको डॉन को बोल देती। तो डॉन जो है क्या बहुत ज़्यादा चिढ़ के गुस्से में आके दांत पीस के एकदम उसको क्लियरली बता देता कि भाई तो समझ ले मेरे से पंगा नहीं लेने का, और आगे चल के जो प्रॉब्लम आएंगी तेरे को फेस करना पड़ेगा, मीन्स ऐसा डॉन बोल के उसको चिढ़ा के कमरे में बंद करने का उसको बोल देता, रुक जाने का कमरा करके। और ये जो है कि सारा की बहन रहती जो साइड में उन्होंने जो कैरेक्टर दिया है सारा की बहन, और उसके बाद में जो उसकी माँ रहती, और तीनों जने डिस्कशन करते कि सारा का प्लान क्या है फ्यूचर में 18+ होने के बाद में जो सारा का प्लान है लाइफ में उसके बारे में वो डिस्कशन करने की कोशिश करते और ट्राई मारते, जैसे ही फिर उसकी माँ एंट्री मारती सारा की एरन, और वो तीनों जने जो है क्या एक संग में बैठ के डिस्कशन करते जो फ्यूचर प्लान है सारा का, वो डिस्कशन एक संगत में चालू करना कर देते वो। और फिर अचानकली जो डॉन आता कमरे के बाहर और देखता उनको कि वो डिस्कशन कर रहे हैं, और पूरे जो उनका जो फ्यूचर डिस्कशन है वो सुन लेता। और जो डॉन का हाउस रहता उसके नीचे जो है कि बेसमेंट रहता, और बेसमेंट के अंदर रहता कि बंकर रहता। बंकर किस लिए यूज़ होता कि जब बॉम्ब गेम गिरने लगे तो बंकर में जाके छुपो फिर कुछ हो ऐसा, इसके लिए बंकर डिज़ाइन करते रहते वो, ऐसा कंस्ट्रक्शन बंकर का मेंट रहता। और जो डॉन है क्या उसको रिपेयर करके अच्छा रेडी करके रख देता, और बाद में सारा को एक बहाने से बुलाता कि भाई मेरी मदद करो ज़रा, तुम एक पार्सल है अंदर लेके जाने का है करके। फिर वो लेके जाता, दरवाज़ा खोलता, और दरवाज़ा खुलने के बाद में सारा को दिखता कि एक सीक्रेट बंकर दिख रहा अंदर से, और फिर सारा को अंदर लेके जाता, वो बताता कि यह ऐसा लोकेशन है इधर चारों तरफ से ये है विंडोज़ है इसमें, सॉरी विंडोज़ नहीं है इसमें। और फिर सारा को बोलता कि अच्छा नहीं है, और सारा को अंदर बंद करता बंकर में, और बाद में बाहर निकल जाता घर के। सारा चारों तरफ घूमती उस कमरे में, देखती लाइट है बस है, और बॉक्स खोल के देखती जिसमें वो पार्सल उन्होंने बॉक्स लिया, बॉक्स में चेक करती कुछ कपड़े रहते उसके, और जो डॉन है क्या उसका जो बंकर है वो क्लोज कर देता, और उसमें जो है क्या एक की रहती, और जो डोर को है क्या पासवर्ड रहता, अगर चाहे वो पासवर्ड तुम 3 टाइम प्रेस कर रहे और गलत आ रहा तो तुम्हारी जो लाइट है वो बंद हो जाती है, जो एयर डक्ट रहते अंदर में जो बंकर में वो भी बंद हो जाते। और डॉन पूरा उसका पहले से मैनेजमेंट करके रखता। और जैसे कि सारा की माँ ऊपर रहती ऊपर के कमरे में मींस हॉल में रहते, वो डिस्कशन करते क्या हुआ सारा इतनी लेट क्यों हो गई, तो परेशान होकर क्या करते हो कि मैं पुलिस को कॉल कर रही करके ऐसा एरन बोलती, और अचानक वो पुलिस को कॉल करने जाती थी।
और यहाँ पे डॉन जैसा बोलता है, ऐसा ऐसा बैठा रहता है कि उसको जैसा कुछ मालूम नहीं। 2 दिन पास हो जाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और ऊपर जो है क्या पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी डाले वाली रहती। 4th दिन रहता डॉन नीचे आता और डॉन को जो है ढकल के सारा भागने की कोशिश करते, लेकिन और एक बंकर में दरवाज़ा आ जाता, मतलब 2 लेयर का जो दरवाजा रहते है बंकर में, एक फ्रंट में और बैक में, इसकी वजह से सारा जो है क्या निकल नहीं पाती वहाँ से दरवाजे में से। और जो डॉन है क्या उसको खींच के लाता अंदर और कमरे में डबल बंद कर देता, और बाद में बोलता कि जो हमारे जो पनिशमेंट जो रहती तुम पेरेंट की जो सुनते नहीं उनका पनिशमेंट रहती, और वो तुमको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस जो जो तुमने अभी तक मुझको इतने सालों से सताया है। और बस समझाता उसको कि आगे चल के कौन से रूल फॉलो करने होंगे, और बाद में एक थप्पड़ मारे बाद में उसके ऊपर फोर्स कर देता खुद को, और बाद में भी सारा जो है क्या एक जगह पे थक के बैठ जाती फिर बस। और बाद में पुलिस आती ऊपर के मस बेसमेंट के ऊपर जो हाउस था हाउस के अंदर हॉल में पुलिस वाले आते, उनको पूछते क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कहाँ गई, सब इंक्वायरी करते वो उनको। और बाद में जो डॉन आता डॉन बोलता है कि नहीं वो तो मेरे हिसाब से भागी गई होंगी, मींस डायरेक्ट करता पुलिस वालों को, बोलता हो कि भाई उसके सामान गेमन सब गायब है यहाँ से घर में से, तो वो तो गई भाग के गई होंगी कंफर्म, बोले भाग के गई होंगी बोले उसका तो फिर पुलिस वालों को डिवाइड कर लेता वो। और जो एरन है क्या उसकी माँ सैरा की वो रोते रहती अब कैसा क्या, तो फिर पुलिस वाले बोलते कि बहुत सारे जो हमने केसेस देखे ऐसे कि उसमें ऐसे केसेस में भाग जाते, और डे 7वां रहता उसमें शाम जो बॉक्स डॉन जो नीचे लाता उसमें सामान देखते। और अब सैरा का जो बॉयफ्रेंड है विजिट करने आता उसको, क्या हुआ मेरे को पुलिस वालों ने कॉल करते पूछ रहे थे सारा मिली क्या नहीं क्या कहाँ हुआ दिखी क्या तुमको, तो डॉन उसको बोलता कि सैरा है उसके जो पहले बॉयफ्रेंड के संगत में कैलिफोर्निया भाग गई करके ऐसा मिसडायरेक्ट कर देता उसको सारा उसको बॉयफ्रेंड के सारा को बॉयफ्रेंड को, और फिर सारा का बॉयफ्रेंड चिढ़ के चढ़ जाता वहाँ से। और दिन 21वां रहता, और भाई 21वां दिन रहता इसका मतलब वो है क्या जो सारा है 18 प्लस हो जाती उसको एक ड्रेस गिफ्ट देता हो, और उसको बोलता है कि जो जो तुम मेरा सुनेंगी वैसे वैसे तेको गिफ्ट मिलेगा, और जो मैं बोलूँगा वही तेको चीज़ मिलेंगी, दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलेंगी, ऐसे डरावने बातें करके उसको बोलता हो। और उसके बाद में वो केक जो है क्या फूकने लगा था, और सारा जो है क्या एक ही चीज़ मांगती वो टाइम पे, वो थी घड़ी, और घड़ी मांगती और क्या रहता उसके पास वेपन बनाती उसका और उसको मारने वो करती, लेकिन डॉन जो है क्या पकड़ लेता, और एक बार वो जो है क्या डॉन खुद को फोर्स करता उस लड़की के ऊपर में सारा के ऊपर, और ऐसा ही कंटिन्यू जो है क्या दिन एक एक से पास होते जाते। और दिन आता 354वां दिन आता, और जो सारा हो क्या प्रेग्नेंट हो जाती, और फिर बेसमेंट में कोई रहता नहीं साथ में, लेकिन प्रेगनेंसी वो खुद ही देती बुक में से पढ़ के, तो वहाँ से जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है। फिर डॉन जो है क्या बार बार विजिट करने नीचे आते रहता बेसमेंट में, और सारा बोलती कि भाई हमारे को जान दो यहाँ 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं अब मुझे जान दो ऊपर जान दो, बाकी डॉन छिड़के बोलता कि मैं यहाँ टेंशन फ्री होने के लिए आता और तुम ऐसा कर रही करके। और डॉन को जो है क्या रेज मिलता मीन्स उसको जो है प्रमोशन हो जाता, उसकी वाइफ क्या बोलती है उसको कि मैं सारा को तुम्हारे जो रेज मिला तो मैं सारा को पैसे इन्वेस्टिगेटिंग जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रहता वो लगाएंगे बोलती आपको और सारा को ढूंढ के लाएंगे, लेकिन जो डॉन क्या बोलता है कि डॉन नहीं चिढ़ के पूरा खाना जो है फेंक देता नीचे, और जो सारा जो बेसमेंट में रहती उनको गिफ्ट ला के देता हो कि भाई क्रिसमस का जो गिफ्ट रहता है एक टेलीविजन लिख जाके दे देता, टेलीविजन और DVD सेट लिख जाके दे देता। और जो सारा की जो छोकरी रहती बच्ची उसको है ना डॉक्टर की गरज रहती, कह रहे डॉन क्या बोलता है कि भाई तू हैंडल कर तू माँ है करके वो बोलता है, समझ सो जो मरी फर्स्ट वीडियो में बताए थे जो कान में ले जा रही वो मरी रही उसकी जो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती, लेकिन कैसा तो भी सारा उनको उसको अच्छा कर देती बेचारी गोला दी और दवा दे के अच्छा कर देती। बाद में जो सारा का बॉयफ्रेंड रहता इतने सालों के बाद में आके मिलता उसके बड़े बहन को और बात करता कि क्या हुआ सारा की न्यूज़ आई क्या नहीं आई क्या ऐसा पूछता उसको क्वेश्चंस करता, अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं आई ऐसा सारा की बहन उसको समझाती।
और उतने में जो है क्या, जो जो डॉन का जो है क्या झूठ पकड़ में आ जाता सारा के बड़े बहन को, और सारा की बड़ी बहन उसको क्वेश्चन करती आगे चल के। ऐसी स्टोरी प्लॉट लाइन जो है क्या आगे बढ़ते बढ़ते जाता। यहाँ तक ही था ये वीडियो, और क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए स्टोरी आगे, तो यहाँ तक ही वीडियो बनाऊँगा। अगर चाहे आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।